दोस्तों कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस ऐसे आता है, सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी बोली थी, निफ्टी बैंक फ्लैट ओपनिंग क्या बताया गया 9:09 पे, 17 मिनट में डाउन आएगा क्योंकि फेड बहुत कॉशियस है। उसके बाद देखिए जस्ट 10 मिनट में जाके चेक कर लीजिएगा, स्ट्राइक प्राइस भी देखिएगा आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लर्निंग किस तरीके से वर्क करती है। और कल मिस नहीं करना चाहते तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो अडानी ग्रुप के लिए देखिएगा अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट और एक बहुत काम का प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गया है। तो आपने बिल्कुल सही सुना है, अडानी के लिए आने वाले 2 से 3 दिन बहुत बहुत देखिएगा कॉशियस होने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। आपको पता है पोर्ट के बिजनेस में इनको बहुत अच्छा लगता है कि बड़े राज्य जिनकी सीमाएं देखिएगा समुद्र तट से जुड़ी हुई हैं वहां पे एक्सपेंशन करें, तो वहां की गवर्नमेंट से देखिएगा अच्छा तालमेल बैठाते हैं, देन आफ्टर दैट एक्सपेंशन करते हैं। और पश्चिम बंगाल में भी सेम ऐसा ही होने वाला था, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे 25,000 करोड़ का देखिएगा जो प्रोजेक्ट है वो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में देखिएगा इस प्रोजेक्ट के चलते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया है और अडानी ग्रुप से देखिएगा ये प्रोजेक्ट छिन चुका है। 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है ये भी आपको पता होगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये एकदम यहां पे खत्म हो चुका है, रद्द हो चुका है, इस पे फिर से देखिएगा बिडिंग और टेंडर पास किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं विवाद हो रहे थे महुआ मोइत्रे विवाद के बाद ममता सरकार ने देखिएगा बड़ा फैसला ले लिया है और यहाँ पे अडानी ग्रुप को ताजपुर पोर्ट को विकसित करने का जो प्रोजेक्ट था काम था वो अब सरकार ने अडानी पोर्ट को सौंपे गए आशय पत्र को रद्द कर दिया है पूरी तरीके से। आप देख सकते हो ये एकदम शॉकिंग अपडेट है और आप ये भी देख सकते हो ये सिचुएशन जस्ट देखिएगा 1 घंटे पहले हुई है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, कोई छोटे प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता तो उसके बाद अडानी वहां पे और एक्सपेंशन कर सकते थे। तो अगर आप देखेंगे कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरी TMC सांसद देखिएगा महुआ मोइत्रे के मामले में अभी तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी ने दूरी बनाई हुई थी, लेकिन अब इस मामले में उन्होंने बड़ा कदम उठाया है और पूरी तरीके से जो ताजपुर पोर्ट का विकसित होने का जो प्रोजेक्ट था वो पूरी तरीके से देखिएगा अडानी ग्रुप से छीन लिया है। ममता बनर्जी की ओर से साफ कर दिया गया है कि इसे लेकर यानी कि इस प्रोजेक्ट को लेकर टेंडर जारी किया जाएगा। बता दें कि महुआ मोइत्रे पर पैसे लेकर अडानी ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछने का आरोप लगा है। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी अपडेट है, ये जो भी पॉलिटिकल एजेंडा रहा हो। लेकिन द थिंग इज अगर आप स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर देखिएगा लॉस है वो अडानी ग्रुप का हुआ है और इस पर्टिकुलर टाइम में हुआ है जब 2 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद यहां पे सुप्रीम कोर्ट से इनका फैसला आना है। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट देखिएगा जो नेक्स्ट हेयरिंग करेगा, आज 22 आपको देखने को मिल रही है, तो जो नेक्स्ट हेयरिंग करेगा अडानी ग्रुप पे जो भी देखेगा एलिगेशन लगे हुए हैं फाइनेंशियल मिस इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, स्टॉक मैनिपुलेशन से रिलेटेड, वो है 24 नवंबर। और 30 अक्टूबर को देखेगा हेयरिंग थी, उसे फिर देखेगा शिफ्ट किया गया था 24 नवंबर को। और जस्ट कल का जो पर्टिकुलर डे होगा, कल का जो टाइम होगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कल की पोजीशन इस फैसले को दिमाग में रखते हुए देखिएगा निफ्टी या बैंक निफ्टी में बनाई जाएंगी, क्योंकि ये बड़ा फैसला है और काफ़ी टाइम से इसकी देखिएगा जो हेयरिंग है वो शिफ्ट हो रही है, काफ़ी टाइम से
देखिएगा ये शिफ्टिंग हो रही है। सेबी ने अपनी रिपोर्ट देखिएगा सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से हैंडओवर कर दी गई है और कोर्ट को इस पर देखिएगा क्या करना है, फैसला लेना है। तो ये बड़ा अपडेट कल से मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, बी रेडी फॉर इट, क्योंकि निफ्टी पीएसयू बैंक जितने भी सरकारी बैंक हैं उस पर इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा। और बाकी अडानी ग्रुप के स्टॉक में अगर कोई भी देखिएगा पैनिक आता है तो उसका भी इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए देखने मिलेगा। तो फोकस करिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।